भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर घाशीराम पटेल ने श्रावण मास में राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लवकुशिंगा के सिद्ध क्षेत्र भुगरा बब्बा देवस्थल की केल नदी से विशाल कांवड़ यात्रा शुरू की। कांवड़ यात्रा का खजुराहो के चंदेलकालीन मतंगेश्वर मंदिर में समापन होगा, जहां पर मतंगेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा। कांवड़ यात्रा का लवकुशिंगा में लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण कर भव्य स्वागत किया। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर स्वागत किया। कांवड़ यात्रा संजयनगर डुमरा होते हुए डहर्रा पहुंची, जहां से 21 अगस्त को सुबह उक्त कांवड़ यात्रा खजुराहो के लिए प्रस्थान करेगी। कांवड़ यात्रा में पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह बुंदेला, पूर्व भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उपमा त्रिपाठी, पूर्व मंडी अध्यक्ष प्रकाश पांडे जटकरा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश गौतम, भाजपा नेता गोविंद सिंह टुरिया, अनुरुद्ध सिंह जौराहा, राजीव वाजपेयी, अप्पू राजा जौराहा मौजूद रहे। यह यात्रा धार्मिक यात्रा है। सावन मास में मतंगेश्वर महाराज का जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। क्षेत्र में सुख समृद्धि, गरीब मजदूर खुशहाल रहे, किसान खुशहाल रहे, ये मतंगेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें क्षेत्रवासियों का भरपूर सबका सहयोग। और कहाँ से कहाँ तक निकाली है यह यात्रा? भुगरा बाबा मंदिर जोराहा के पास से मतंगेश्वर महाराज खजुराहो, मतंगेश्वर धाम खजुराहो पहुँचेगी। कल जल अभिषेक करके इसका हमारे क्षेत्र में हमारे वैदिक रीति और हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति परंपरा के अनुसार यह मलमास के महीना हमारा जो पुण्य और अच्छा माना जाता है, इस पुण्य कार्य करने के लिए हमारे सभी क्षेत्रवासी इस कांवड़ यात्रा का आयोजन करते हैं। और यह कांवड़ यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती थी, सिर्फ दो वर्ष कोरोना काल में नहीं निकली है। बाकी हमारे जितने सनातनी परंपरा के लोग हैं, उस मलमास के महीना में शंकर जी की आराधना करते हैं और शंकर जी की प्रार्थना करते हैं। शंकर जी के लिए समर्पित यह मलमास का महीना होता है और यह मलमास के महीने में शंकर जी की आराधना से हम पूरे क्षेत्र के सुख समृद्धि और शांति के लिए यह कांवड़ यात्रा सब आयोजित हमारे साथी लोग यात्रा में रहते हैं। जैसे कि क्षेत्र की जनता की मांग है कि इस बार आप चुनाव लड़े, तो क्या रहेगा आपकी मांग? हमारे क्षेत्र की जो मांग है, हमारे नेतृत्व अगर टिकट देगा तो लड़े।